चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी शेयर करने वाले, करीब 7 से 8 ऑफिशियल नोटिस और 7 से 8 जो है पेपर कटिंग शेयर करने वाले। उससे पहले दोस्तों आपसे इसे कहना चाहेंगे, अब जो है डेली बेसिस आपको न्यूज और पेपर कटिंग किस प्रकार से डाउनलोड करना है, साथ ही डेली बेसिस जो है आप अपना जो भी अपडेट है उसको पाने के लिए सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं दोस्तों उस पर क्लिक करके आपको विजिट कर लेना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, फर्स्ट सेक्शन पे कॉड विला स्टोर, जी हाँ दोस्तों बता दें आप इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट सेक्शन देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, लेकिन कल से आपको यहाँ पे जो भी अपडेट आएगा यानी कि ऑफिशियल नोटिस के साथ साथ पेपर कटिंग जो आता है, जो कि बहुत सारे दोस्त लोग किसी कारण डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो उन सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए आप सभी के सामने जो है वो कल से आप इस वेबसाइट पर डेली वाइज अपना ऑफिशियल नोटिस को भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो पेपर कटिंग आप सभी के सामने हम शेयर करते हैं उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सभी प्रक्रिया, और बता दें दोस्तों कि सबसे पहले यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा 6 बजे सुबह में डेली बेसिस न्यूज जो है, न्यूज और ऑफिशियल नोटिस पेपर कटिंग जो भी है आप यहाँ पे क्लिक करके उसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जी हाँ बता दें इस वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, आप लोग इस पे आज से विजिट करना चालू कर दें और कल से जो है आपका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का जो भी अपडेट आएगा इसी वेबसाइट के माध्यम से हम आप सभी के सामने जानकारी भी शेयर करेंगे। फिलहाल आज जो है जो भी पेपर कटिंग ऑफिशियल नोटिस है वो तो हम आज शेयर कर दे रहे हैं, कल इसी वेबसाइट के माध्यम से जानकारी को शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले 7 से 8 ऑफिशियल नोटिस की जो अपडेट है वो हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले देख सकते हैं माननीय कुलपति जी ने आदेश दिया कि 23/12/21 के अनुपाल में अंतर्गत एक अंतिम अवसर प्रदान किया है कि बीएड में महाविद्यालय का जो है पोर्टल सक्रिय किया गया, जिसमें कि बीएड प्रथम वर्ष 2019 के लिए जो अपडेट आया है वो यहाँ पे आप बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से देख सकते हैं। बीएड द्वितीय वर्ष के लिए, बीएड द्वितीय वर्ष 2021 के लिए जो है यहाँ पे दिया गया, ठीक है आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है दशा के दिनांक 5/1/22 से 12/1/22 तक जो है पोर्टल ये आवश्यक अपलोड कर दें, यानी कि जो भी अपडेट है उसको अपलोड करना है, यही ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से कहा जा रहा है। तो ये रहा दोस्तों फर्स्ट ऑफिशियल नोटिस, अब चलते हैं सेकेंड ऑफिशियल नोटिस की ओर। सेकेंड ऑफिशियल नोटिस आप सभी के सामने देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर RDC ज्योग्राफी टू द डेट 6 से 7 जनवरी 2022 तक, यहाँ पे देखें 11 AM सुबह में 11 AM जो भी दोस्त लोग का इसमें नाम आया है वो उसका डेट वाइज यहाँ पे दिया गया है, तो आप इस डेट में अपने अपने जो भी RDS से संपर्क कर ले फटाफट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के तरफ से RDC नोटिस के तरफ से यह जानकारी दिया गया, तो इस बात को भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ खास जानकारी दिया गया, जिसमें लिखा है व्यक्तिगत रुचि को लेकर आप महाविद्यालय के संस्थान द्वारा 20 से 21 के की अभी तक संपन्न हो चुकी परीक्षाओं के उपरांत शेष बची उत्तर पुस्तिकाओं का विवरण संकलन किए गए प्रारूप 2 प्रतियों में सहायक कुल सचिव चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ अविलंब प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि आगामी परीक्षा हेतु उत्तर पुस्तिकाओं की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए सके। यहाँ पे देखिए जो भी अपडेट है आप सभी के सामने हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं समय समय पे, और यहाँ पे देखिए कुछ ब्लैंक ऑफिशियल है जो कि इसको भरना होता है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को, और यहाँ पे देखिए परीक्षा केंद्र भी है, परीक्षा वर्ष भी है, जो कि यहाँ पे देखिए परीक्षा समाप्ति पश्चात भरकर भेजना जाने का उत्तर पुस्तिका प्रपत्र है, जो कि यहाँ पे आप बिल्कुल आसान तरीके से देख सकते हैं। ये रहा दोस्तों दूसरा ऑफिशियल नोटिस। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऑफिशियल नोटिस आप सभी के सामने है आदेशानुसार, जिसमें कि वस्तु सूची तैयार करने के लिए जो प्रकाशित की जा रही है, और कोई आपत्ति है तो प्रकाशन 7 दिवसों यानी कि 7 तारीख तक जो है आप यहाँ पे जो भी अपडेट है करा सकते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हुए आवश्यक कार्रवाई संपन्न की जाएगी। तो यहाँ पे कुल सचिव के द्वारा ये अपडेट है जो कि ऑफिशियल नोटिस है, आप यहाँ पे लिस्ट वाइज देख सकते हैं, इसमें लिखा है यहाँ पे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है प्रोफेसर्स इन द टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे जो अपडेट है वो दिया गया है। तो
तो अगर आप इससे रिलेटेड हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और अपडेट आया है जो कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से 21 से 22 विश्वविद्यालय नेट उत्तीर्ण PhD वगैरह का जो भी अपडेट है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लें अगर आप इससे रिलेटेड हैं तो, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट है उसमें कुछ खास ऑल कैलकुलेशन शेड्यूल बी फिल्ड क्लियरली अबव द एरर इन पेमेंट, ये कुछ टीचिंग लाइन वाले दोस्त के लिए है जिसमें कि यहाँ पे कुछ खास जानकारी के साथ नाम भी दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं क्या कैसे है, कब है, कौन से कॉलेज का है, क्या कैसे, जो भी जानकारी है आप यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से देख सकते हैं। सभी कॉलेज का डिटेल्स आ चुका है। अब चलिए दोस्तों लास्ट ऑफिशियल नोटिस शेयर कर देते हैं। लास्ट ऑफिशियल नोटिस चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के तरफ से यहाँ पे दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में 6/12/22 को बैठक आयोजित किए जाने के संबंध में यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि नीति 2022 के 6/11 बजे बृहस्पति चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे देखिए जो भी है आप बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ सकते हैं जो कि ऑफिशियल नोटिस आप सभी के सामने हमने शेयर किया, उम्मीद है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं पेपर कटिंग की ओर। सबसे पहला पेपर कटिंग यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है तीसरी लहर के दस्त, 1 सप्ताह में 500% बढ़े मरीज संक्रमण दर की भी यहाँ पे जो है 3.84%। यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेपर कटिंग की ओर। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए जॉब से भी रिलेटेड जानकारी आपको जो वेबसाइट बताए हैं उस पर शेयर करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए स्टोनो MTS इत्यादि पदों के लिए बम्पर भर्ती है जो कि 12वीं पास, जो भी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन से लेवल जो भी अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर शेयर करेंगे, इनकी जॉब की जो अपडेट आएगा वो जरूर शेयर करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए प्रशासनिक व तकनीकी पदों के लिए जो अवसर है उसमें देख सकते हैं आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए CCSU में आज से शुरू होगी 7 दिवसीय कार्यशाला। यहाँ पे देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए विषम सेमेस्टर परीक्षाएं के लिए भरे गए अब तक फॉर्म, यहाँ पे देखिए 20 जनवरी तक इसका जो है समाप्त, UG PG सेमेस्टर की परीक्षाओं को फॉर्म भरे जा रहे हैं। सोमवार से 12,987 फॉर्म भेजे जा चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म भरे जाने की अंतिम तिथि 10 जनवरी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से कई कोर्सों का रिजल्ट भी जारी किया गया जिसमें लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से सोमवार को कई कोर्सों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स का नाम भी दिया गया है, तो इससे भी रिलेटेड बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पे देखिए PhD में छात्रवृत्ति के लिए 15 तक जमा करें कागजात, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में नेट गेट उत्तीर्ण PhD छात्र छात्राएं के 3,000 रुपये छात्रवृत्ति 15 जनवरी तक अपने समस्त कागजाओं वीवी में जमा कर दें, तो जो भी अपडेट है यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कैंपस के शिक्षक को वरिष्ठता सूची जारी किया गया जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे वीवी के नए परीक्षा में बची कापियों के बारे में मांगी जानकारी, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ खास जानकारी है, फिलहाल यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 13 कॉलेजों ने जमा नहीं किए BEd के अंक, चेतावनी जारी। आप यहाँ पे देख सकते हैं आंतरिक परीक्षा के अंक अपलोड करने में लगातार लापरवाही कर रहे कॉलेज, तो जो भी प्रॉब्लम आता है वो कॉलेज से रिलेटेड आता है। जी हाँ, बता दें कि कॉलेज ही छेड़खानी करता है जिसके कारण यूनिवर्सिटी थोड़ा रिजल्ट वगैरह में देरी करती है। अब यहाँ पे देखें महाविद्यालय इंटरनेशनल स्कूल में आज से शुरू होंगे पंजीकरण, ठीक है। और यहाँ पे VC ने 6 को बुलाई कॉलेजों की बैठक, यहाँ पे देखिए जो कि आप सभी के सामने कुलपति प्रो संगीता शुक्ला जो कि हमने आप सभी के सामने इसके बारे में सभी जानकारी रिज्यूम के साथ शेयर किए थे, उम्मीद है आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो फिलहाल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों हमने आप सभी के सामने स्टेप बाय स्टेप शेयर किए, तो ध्यान रहे कल से जो है आपको वेबसाइट जो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं उसी वेबसाइट पर डेली वाइज अपडेट आप सभी के सामने शेयर करते रहेंगे, जॉब से रिलेटेड और कॉलेज से रिलेटेड जो भी अपडेट है, एग्जाम्स ने से ऑफिशियल नोटिस जो भी अपडेट है डेली वाइज आपको यहां पे देखने को मिलेगा। कल से ध्यान दें दोस्तों कि कल से आपको अपडेट यहां इस वेबसाइट के माध्यम से ही जानकारी को हम शेयर करेंगे, तो आप लोग इस पर विजिट करते रहें। इस वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, उम्मीद है आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, लगा तो वीडियो को दबाकर लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की ओर, धन्यवाद।